मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आर्मी क्रेजी डॉट कॉम। मेरा नाम है मुमताज। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बारीक शेप की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही टेस्टी शेप आप घर पे बना सकते हो। तो इस दिवाली शेप की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं बारीक शेप की रेसिपी, जिसके लिए हमने एक मेजरिंग कप बेसन लिया है, आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार और तेल लगने वाला है हमें शेप को फ्राई करने के लिए। अब क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे, उस बोल में हम डाल देंगे बेसन को, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। एक तिहाई कप यहाँ पे पानी लिया है, पानी थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे आटे में और एक डो तैयार कर लेंगे, सख्त डो। तो देखिए डो हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है, थोड़ा सा तेल लगाएंगे ऊपर से। इस डो को हमें ढक के रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, सेट होने के लिए छोड़ देंगे इसको। और देखिए यहाँ पे एक तिहाई कप पानी लिया था, इसमें से इतना पानी बच गया है, बहुत ही कम हमें पानी लगा है डो को सेट करने के लिए। एक पैन ले लेंगे, पैन में हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे सबसे पहले। और यहाँ पे देखिए जो चकली का जो साँचा होता है उसमें जो एकदम सबसे जो बारीक वाला जो होता है प्लेट, उसको हम यूज़ करने वाले हैं शेप बनाने के लिए। और इस साँचे को हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि जो आटा है वो उसमें चिपके नहीं। तो हमारा डो जो है वो सेट हो चुका है। अब इस आटे को हम साँचे में भर देंगे ऊपर से प्रेस करते हुए, इसका ढक्कन लगा देंगे और तेल भी हमारा गर्म हुआ है कि नहीं चेक करते हैं। थोड़ा सा जो डो का टुकड़ा है उसको डाल दिया तो जो डो है वो ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा तेल जो है वो फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको निकाल लेंगे बाहर और शेप को हम गोल गोल घुमा करके डायरेक्टली पैन में डालेंगे। ये जो शेप है डायरेक्ट पैन में डाला जाता है, तो जितना बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से आप पैन में डाल सकते हो। और इसे बस हमें दो दो मिनट दोनों साइड में फ्राई करना है, तो मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करने वाले हैं, एकदम फास्ट में नहीं वरना इस शेप जल जाएगी। इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दो दो मिनट में फ्राई करेंगे, एक साइड दो मिनट दूसरे साइड दो मिनट, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगा। निकालेंगे इसे एक पेपर टॉवल पे हम, ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। सेम इसी तरह से हम दूसरी शेप भी बनाएंगे। दो दो मिनट तक इसे भी हमने फ्राई कर लिया, इसे भी निकाल लिया। सारी शेप को हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो हमारी शेप जो है वो तैयार हो गई है सर्व करने के लिए। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है दोस्तों, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। आसान सी है बनाने में, बस 5 मिनट में आपका जो शेप है वो तैयार हो जाता है। तो इसे आप एयरटाइट डब्बे में रखिए ताकि 15 से 20 दिनों तक आराम से क्रिस्पी बनी रहेगी। ठंडा होने के बाद, गरम गरम नहीं रखना है, ठंडा होने के बाद ही रखना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।